हेलो कालावा, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम करने वाले हैं हेरियर का रिव्यू, ऑनरशिप रिव्यू वीडियो। तो चलिए हम स्वागत करते हैं इस हेरियर के ऑनर का, मिस्टर राजेश चौधरी का। सर आज ये प्लीज़ हमारी वीडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी वीडियो में। हमारे दर्शकों को भी एक बार हाय बोल दीजिए। हाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑनरशिप रिव्यू वीडियो। सर जैसा कि हम अपने ऑनरशिप रिव्यू वीडियो में जो कि हम वीडियो बनाते हैं उसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव क्या आपको अच्छा लगता है, क्या कार की खासियत है, साथ ही में क्या आपको इसके साथ में कुछ नुकसान मिला या फिर कुछ अच्छा हुआ, हम इस बारे में शेयर करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके प्रॉफिट, मीन्स आपने कार लेने की कैसे सोची और इससे आपको क्या प्रॉफिट हुआ। मुझे क्या हुआ कि आज के 3 साल पहले मैं किसी दूसरे आदमी के टाटा हैरियर में बैठा था, तो मुझे बहुत कम्फर्टेबल महसूस हुआ था और मुझे लुक वाइज बहुत अच्छी लगी थी, लंबे सफ़र के लिए चलने के लिए बहुत अच्छी गाड़ी लगी थी। और मैंने जब से गाड़ी लिया है मुझे किसी प्रकार की इसमें दिक्कत तो नहीं आई है और लगभग मैं लंबे लंबे सफ़र तय करके आ गया, लेकिन कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, गाड़ी में थकान नहीं होती, बहुत कम्फर्टेबल गाड़ी है और मेरे लिए तो अच्छी गाड़ी है। हाँ, मैं तो अगर किसी को 20 लाख के ऊपर अगर कार खरीदना हो उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि वो जरूर टाटा हैरियर हो। सर अब देखिए, हर कार की पॉजिटिव तो होती है साथ ही में नेगेटिव भी होती है, तो इसमें आपको क्या कुछ ऐसी थोड़ी बहुत तो बुराई आई होगी या फिर लगा होगा कि कुछ बुरा है यार? नहीं, मुझे कोई नेगेटिव नहीं आई इसमें कार में, मुझे सब पॉजिटिव ही लगा है, मुझे बहुत अच्छी कार लगी है और बहुत पसंदीदा कार है मेरी। सर अब बात कर लेते हैं इसकी अपन कॉस्ट की, सर्विस कराते समय आपको क्या कॉस्ट पड़ जाती है? सर 2 सर्विसिंग 3 सर्विसिंग तक तो फ्री रहता है, 2 सर्विसिंग में तो कुछ नहीं लगता, 400-450 रुपये लगते हैं। तीसरी सर्विसिंग में जो होता है लगभग हमें 11,000 रुपये का खर्चा आता है, 11,000 उसमें इंजन ऑयल डेफ ऑयल और बस यही है, और ऑयल फिल्टर डीजल फिल्टर और एसी फिल्टर, लगभग 11,000 रुपये का खर्चा आया था मुझे 11,000। सर अब बात कर लेते हैं इसके अपन माइलेज की, तो डीजल मैनुअल है, हाँ क्या अपने को माइलेज मिल जाता है इसका? मुझे लगभग इसका 14-15 माइलेज मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखा आपने जैसा कि कितनी भारी भरकम गाड़ी है, 2500 से 3000 के आसपास की सीसी का इसका इंजन है, उसके बाद में भी 14 के आसपास माइलेज निकालना है, बहुत बड़ी बात है। सर आपने ब्लैक डार्क एडिशन ही क्यों चूज़ किया? मुझे एक्चुअल में कि ब्लैक कलर और ब्लैक डार्क एडिशन से मुझे बहुत पहले से लगाव था और मुझे एक कलर ही बहुत पसंद आता है, इसलिए मैंने टोटल डार्क एडिशन ही लिया। सर अब जैसे इसमें हेरियर में अपन देखेंगे कारजिया रंग वगैरह यानी अलग अलग एडिशन आ गए, तो उसको देख के आपको ये नहीं लगा कि यार चेंज करना चाहिए या फिर? वो सब अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी पसंद है, मुझे ब्लैक डार्क ही अच्छा चाहिए था, ब्लैक डार्क ही लेना था मुझे। आपने इसको कंटिन्यू कितने किलोमीटर तक चला लिया? मैंने इसको कंटिन्यू 500 किलोमीटर तक चला लिया। 500 किलोमीटर कोई थकान वगैरह? कोई थकान नहीं, कंफर्टेबल। और टोटल आपने कितने चला लिए अभी तक? अभी तक मेरी कार चली 15,000 किलोमीटर। कब लिए थे आपने कार? मैंने पिछले साल दिसंबर में खरीदा। पिछले साल दिसंबर में यानी 4 दिसंबर 2021। इसका हमें आप सीटिंग कंफर्ट बताइए कि इसका सीटिंग कंफर्ट कैसा है? सीटिंग कंफर्ट ऐसा है कि अपने अपने हिसाब से कंफर्ट करने के लिए इसमें दिया हुआ है, आगे पीछे कर सकते हैं, पीछे झुका सकते हैं, सामने झुका सकते हैं और अपने अपने हिसाब से उसको कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। तो जैसे कि टॉप मॉडल है तो इसमें वेंटिलेटेड सीट भी है, तो उसका आपने कभी यूज़ किया है? नहीं, मैं तो अभी तक नहीं किया हूँ। और इसमें हमें मोड्स मिल जाते हैं 2, 1 स्पोर्ट्स और 1। हाँ, 3 मिलते हैं। अच्छा, स्पोर्ट मोड, इकोनॉमी मोड और सिटी मोड। आपको सबसे अच्छा कौन सा मोड लगता है? मैं इकोनॉमी मोड में चलाता हूँ गाड़ी, इकोनॉमी मोड, इससे माइलेज भी अच्छा मिलता है। स्पोर्ट मोड में तो फिर रॉकेटी हो जाती है, रॉकेटी हो जाती है। स्पोर्ट मोड में हम जैसे लोग तो नहीं चला पाएंगे। दूसरी बात कि ऑटोमेटिक एसी मिलता है और टच स्क्रीन अपने को, यानी टच स्क्रीन में लैग वगैरह कोई? लैग वगैरह पता नहीं मुझे, ऐसा लैग वैग नहीं होते चलाते समय में? नहीं नहीं नहीं। दूसरी बात ये कि ऑडियो अपन टच स्क्रीन से ही प्ले कर लेते हैं, मोबाइल ऑन, मोबाइल कनेक्ट हो जाता है, मोबाइल से बात अपन चलते गाड़ी में कर लेते हैं स्पीकर ऑन करके, एंड्रॉयड ऑटो के वजह से कनेक्ट भी हो जाता है। सर जैसा कि अभी जनरली बहुत इसमें चला, खैर अभी तो टाटा बहुत अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, बट इसके सर्विस सेंटर का आपके साथ में क्या रिलेशन रहा है? सर्विस सेंटर का ऐसा है कि यहाँ पे बालाघाट में हमारे छोटा सर्विस सेंटर, सिर्फ इसमें सर्विसिंग ही हो पाती है, बाकी दूसरे जैसे मान लो किसी प्रकार का अगर गाड़ी में स्क्रेच आ गया है, ये आ गया है और डेंटिंग पेंटिंग कराना है, तो उसके लिए एजेंसी यहाँ का जो है वो नहीं कर पाता, वो हमें छिंदवाड़ा जाना पड़ता है।
यानी अभी भी टाटा को अपने सर्विस को लेकर थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए 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 बालाघाट में तो होनी चाहिए। सर आपको सनरूफ कैसी लगती है? इसके सनरूफ प्लस मूनरूफ है। ठीक है सनरूफ कभी यूज़ किया है आपने? हम करते हैं कभी कभी, बच्चे लोग रहते हैं साथ में। तो फ्रेंड्स आप लोग ने देखा होगा, ये रहा टाटा हैरियर का ऑनरशिप रिव्यू। सर ने आपको सब कुछ तो डिटेल बताए दी है।